पंजाबी सूबे की 50वीं वर्षगांठ पर अमृतसर में लेजर शो का आयोजन हुआ। इस मौके पे वित्त मंत्री अरुण जेटली, अमित शाह, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, विजय सापला शामिल हुए। यहाँ पर लेजर लाइट का नज़ारा भी देखने लायक था। यहाँ लोगों को पंजाब की सूजन, जलियांवाला बाग, गोलीकांड, पंजाबी सूबे के इतिहास के बारे में फिल्म दिखाई गई, जिसमें पंजाबी सिखों की उपलब्धियों को युवा पीढ़ी को अवगत कराया गया। अभिनव बिंद्रा, गुरदास मान भारतीय सेना के मुखी जनरल जे सिंह और कई नामी लोग जिन्होंने पंजाब के लिए कुछ किया है, उनको सम्मानित किया गया और सिंगर जरविंदर नरूला और गुरदास मान ने गीतों से समा बांधा। पहले 30 साल का इतिहास, 30 साल सन जिन्हें एक पार्टी केंद्र भी और पंजाब के बीच भी डोमिनेटिंग पार्टी से खतरा आया, फेडरलिज्म भी आया, टेररिज्म भी आया, डिस्ट्रक्शन भी हुई, लेकिन वो भी तुलना पिछले 20 साल नाल कर लो। पिछले 20 साल 15 साल बादल साहब चीफ मिनिस्टर रहे, साड़ी मिली जुली सरकार रही, और पिछले 15 साल ये जो साडा गठबंधन रहा है 40 साल पुराना है, यह कोई सियासी नहीं सी। पंजाब नूं जोड़न वाला, पंजाब इस समाजिक एकता लियान वाला सी और पंजाब के लोगों नूं इक रखण वाला सी। और उस 30 साल के जिन्ने काम सन तो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने जो इतने पिछले 8-10 महीने करके दिखाया हुए, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट सांपला जी ते बहुत ही मॉडल शख्सियत पंजाबी जिन्होंने जवाब काट दिया। वाहेगुरु जी का खालसा। आज का दिन साढ़े वास्ते बहुत महान दिन, क्योंकि बोली के आधार पर जो सूबे बने उसके वास्ते पंजाबियों ने कष्ट बहुत चलिया, जिहड़ा मैं बाद गल करांगा। लेकिन आपां नूं अज तो 50 साल पहला पंजाबी शहीदां दे मुल्ल मुड़दे।